ऐसे में ऐसे बैग्स जो जूट के बने हुए हैं, जो बिल्कुल इको फ्रेंडली फाइबर है, इसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश की जा रही है इस प्रदर्शनी में। पर्यावरण के अनुकूल जूट की पैकेजिंग उद्योग में अच्छी संभावनाएं हैं। इट्स अ नेचुरल फाइबर के तमाम चीजों की। यहाँ के हर उत्पाद में खास बात यह है कि यहाँ आपको मिलता है संस्कृति का नर्म स्पर्श और साथ ही साथ बंगाल की मिट्टी की खुशबू। 30 सितंबर तक आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस प्रदर्शनी का, और 28 सितंबर को तो यहाँ आयोजन होगा एक सांस्कृतिक संध्या का भी, जहाँ आप लुत्फ उठा सकते हैं रविंद्र संगीत और नजरुल गीत का भी। कैमरामैन सी के अशोक के साथ ममता चोपड़ा, DD News। गाँव में होने